सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आपका +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन 10 पर आज चल रहे हैं, जो कि बुक का लास्ट लेसन है। तो आज हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा +1 क्लास का भी। +2 क्लास के पहला ही सिलेबस कंप्लीट है। वो वीडियोस पूरे यूट्यूब मेरे वाले लिंक पर अपडेटेड हैं। तो देखिए, आज जो लेसन 10 बुक 2 का हम बनाने जा रहे हैं, लेसन का नाम है संविधान का राजनीतिक दर्शन। इसमें हम जानेंगे कि जो हमारा संविधान है वो क्या कहता है, सामाजिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है, धर्म निरपेक्षता क्या है, जो प्रस्तावना है वो इन सब चीजों का दर्पण है। मतलब उसमें ये सारी बातें हमें पहले से ही देखने को मिल जाती हैं। आज जो हम जानेंगे, जो हमारे संविधान में व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की समानता, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में क्या-क्या कहा गया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लास्ट लेसन। बुक 2 लेसन 10, लेसन का नाम है संविधान का राजनीतिक दर्शन। तो चलिए, संविधान का राजनीतिक दर्शन, सबसे पहले इसके उद्देश्य क्या हैं। इस लेसन को पढ़ने के बाद आप समझ सकेंगी संविधान क्या के अंतर निहित जो दर्शन है वो समझना क्या जरूरी है। मतलब संविधान के अंदर जो बातें कही गई हैं वो समझनी क्यों जरूरी है। संविधान क्या दर्शन है, क्या चीज़, ठीक है जी। उसके अलावा संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं, इसकी आलोचनाएं क्या हैं, सीमाएं क्या हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। देखिए, जो राजनीतिक दर्शन है वो हमें प्रस्तावना में निहित है, उसी में ही दिख जाता है। अगर आपने कभी संविधान की प्रस्तावना पढ़ी हो तो उसमें लिखा जाता है कि हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोग, हमारी एकता का प्रतीक है वो। तो उसमें जो बातें कही गई हैं वही इसका राजनीतिक दर्शन है, संविधान की प्रस्तावना में जो कही गई। उस सब से हमें उन आदर्शों, उन सिद्धांतों, उन उद्देश्यों, उन उत्तरदायित्वों का वर्णन मिलता है जिस पर कि हमारा संविधान आधारित है। तो जो संविधान का दर्शन है वो यही है, हम भारत के लोग, उसका मूल है। तो चलिए अब हम देखते हैं। क्या आप जानते हैं जापान के संविधान के बारे में? आइए जानें जापान का संविधान क्या कहता है। देखिए, सन 1947 के जापानी संविधान को शांति संविधान कहा जाता है। इसकी प्रस्तावना में ही कहा गया है, हम जापान के लोग हमेशा के लिए शांति की कामना करते हैं और हम लोग मानवीय रिश्तों का नियंत्रण करने वाले उच्च आदर्शों के प्रति सचेत हैं। जापान के संविधान का दर्शन शांति पर आधारित है। देखिए, इसी से पता चल जाता है कि जापान के लोग कितना शांति प्रिय हैं। आपने कभी जापान के बारे में किसी भी तरह की हिंसक घटना की कभी कोई बात नहीं सुनी होगी आज तक। तो जो जापान का संविधान है वो शांति संविधान है। देखिए क्या कहता है, इसके अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि न्याय और सुसंगत व्यवस्था पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति की ईमानदारी से कामना करते हुए जापान के लोग राष्ट्र के संप्रभु अधिकारों के रूप में प्रतिष्ठित युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए धमकी और बल प्रयोग से सदा ही दूर रहेंगे। मतलब किसी भी तरह की विश्व के देशों को कोई धमकी देने में या बल प्रयोग का प्रयोग ये लोग नहीं करेंगे। उपयुक्त अनुच्छेद के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस बात को ध्यान में रखते हुए जमीनी सेना, नौसेना, वायुसेना तथा युद्ध के लिए अन्य साजो सामान कभी नहीं
रखे जाएंगे। तो ये चीज़ें जापान के संविधान में लिखी गई हैं, ये बातें उसे शांति संविधान के रूप में हम लोगों को कहने पर मजबूर कर देती हैं कि वहाँ का संविधान शांति संविधान है। क्या आप जानते हैं संविधान का दर्शन क्या है? तो आइए जानते हैं। कुछ लोग मानते हैं संविधान सिर्फ कानून से बनता है, और कानून एक बात है जिसमें मूल्य और नैतिकता की कोई वो ही नहीं है, इसलिए संविधान सिर्फ कानूनी नज़रिए से अपनाया जाता है, ना कि नैतिक और राजनीतिक से, जबकि ये बात गलत है। हमारे संविधान में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कानून भाषा और धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करेगा। मतलब एक व्यक्ति कोई एक जैसा अपराध करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, भाषा का हो, जाति का हो, सभी के लिए कानून एक समान है। ये संविधान का दर्शन है कि कानून सबसे ऊंचा है। कानून और नैतिक मूल्यों के बीच में गहरा संबंध है। क्या आप जानते हैं संविधान का दर्शन क्या है? संविधान का दर्शन प्रस्तावना में निहित है। प्रस्तावना में उन सब आदर्शों, सिद्धांतों, उद्देश्यों एवं उत्तरदायित्वों का वर्णन मिलता है जिन पर कि हमारा संविधान आधारित है। देखिए, प्रस्तावना में क्या कहा गया? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए उस समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा से आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। ये सब चीज़ें उसमें कही गई हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में हमारे संविधान में क्या कहा गया। देखिए, हमारे देश के संविधान में व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत ही महत्व दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19 में व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में लिखा गया है कि व्यक्ति 6 प्रकार के स्वतंत्र, कहीं भी आने जाने की, किसी भी प्रकार के वस्त्र पहनने की, अपनी आजीविका को चलाने के लिए कोई भी काम करने की, उसे हर तरह से स्वतंत्रता दी गई है। हमारे जो राजा राम मोहन राय जी थे, उन्होंने प्रेस की आज़ादी पर, जो कि अंग्रेज सरकार ने रोक लगाई थी, उसका विरोध किया और कहा कि प्रेस की आज़ादी व्यक्ति की अभिव्यक्त करने का साधन है, तो ये जरूरी होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे संविधान में व्यक्ति को मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उसे जबरदस्ती बंदी नहीं बनाया जा सकता। अगर ऐसा बनाया जा सकता है, बनाया जाता है, तो वो अपील कर सकता है। तो इस तरह की स्वतंत्रता व्यक्ति को दी गई है। सामाजिक न्याय की सुविधा व्यक्ति को दी गई है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अन्याय नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है, उसके कोई अधिकारों का हनन करता है या उसको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए विशेष उपाय किए गए हैं हमारे संविधान में। व्यक्तियों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए अनेक बातें उसमें लिखी गई हैं हमारे संविधान में। अगली देखते हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में। तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में देखिए हमारा संविधान क्या कहता है। सभी को बराबरी का हक है, किसी के साथ भी ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसे दंडित किया जा सकता है, और उन्हें विशेष आरक्षण दिए गए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, नौकरियों में हो,
यहाँ तक कि राजनीति में भी लोकसभा विधायिकाओं के चुनाव में उन्हें आरक्षण प्रदान किया गया ताकि उन्हें उनका जीवन स्तर भी सुधर सके। आगे हम देख लेते हैं धर्म निरपेक्षता के बारे में। भारत का संविधान क्या कहता है? जो भारत का संविधान है वो धर्म निरपेक्ष है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के धर्म को मानने को आज़ाद है, चाहे वो किसी भी धर्म का आचरण करे, उसे माने, उसकी प्रार्थना सभाओं में जाए, उसकी पूजा करे, वो स्वतंत्र है। उस पर सरकार या राज्य का कोई जोर नहीं है। वो जिस भी धर्म को मानना चाहता है, उसकी प्रार्थना सभाओं में जाना चाहता है, उसके लिए चंदा देना चाहता है, वो उस कार्यों के लिए पूरा स्वतंत्र है। अब जानते हैं उदारवाद के बारे में हमारा संविधान क्या कहता है। देखिए, भारतीय उदारवाद की दो धाराएं हैं। सबसे पहली की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने की थी। उन्होंने जोर दिया था खासकर महिलाओं के अधिकारों पर। जो दूसरी धारा है वो स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू की है। केसी सेन और जस्टिक रनाडे जैसे इसके चिंतक थे। उन्होंने जो पुराने हिंदू धर्म के दायरे में सामाजिक न्याय का जज्बा जगाया था, विवेकानंद जी के लिए हिंदू समाज की ऐसी पुनर्रचना कर पाना उदारवादी सिद्धांतों के बगैर संभव नहीं था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।